कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगस्त के महीने में किसी भी दिन किसी भी मंदिर में जाकर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना, आपकी सात पुश्ते बैठकर खाएंगे, नसीब और भाग्य के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी तलवे चलेगी, आपने जो जिस सपने में नहीं सोचा था आपके जीवन में वैसी घटना हो जाएगा। एक शब्दों में कहें तो इसके लिए आप तड़प रहे थे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, परंतु आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, हम आपसे भी के लिए रोजाना बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, इसी कारण से आपको लाभ नहीं मिल पाता है। और जो लोग वीडियो को अंत तक देखा है उसे बहुत लाभ होता है, और वह लोग कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी, आपकी वजह से हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आपसे बदली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ऐसा जानकारी आपको पूरा YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब मौका आपके हाथ में आ चुका है। दोस्तों, अगस्त की शुरुआत होने वाली है, और इस अगस्त के महीने में यदि आप यह एक चीज को मंदिर में जाकर नहीं चला पाएंगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई भी इंसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पिछले कई महीने से इसी प्रकार की जानकारी YouTube पर देख रहे हैं। सभी लोग आपको कह रहे हैं कि यह महीना आपका अच्छा जाएगा, वह महीना अच्छा जाएगा, लेकिन अभी तक वास्तव में आपका कोई भी महीना अच्छा नहीं जा पाया। जैसा आप चाहते थे वैसे आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, यह अगस्त का महीना आप सभी के लिए कोई मामूली महीना नहीं है, यह सबसे ज्यादा सौभाग्य लाने वाला महीना है। बस आपको अपने किस्मत को जगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे दोस्तों, हम नींद में होते हैं और कोई व्यक्ति में कहीं जाने को कहता है तो हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं। और यदि हम नींद को तोड़ने के लिए अपने मुंह पर पानी का छिड़काव कर दें या पूर्व 13 से मुंह बंद हो ले तो हमारा नींद टूट जाएगा और हम जिस भी काम के लिए जाना चाहे वहां जा सकती है। इसी प्रकार दोस्त, आपके बीच में कुछ ऐसी स्थिति है, आप बहुत ही अच्छे कर्म के इंसान हैं, लेकिन दोस्तों यह समय आपको अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार उपाय करने होंगे जिससे आपका नसीब के द्वारा में जो भी जंग लगा है वह सब टूट जाएगा और भाग्य आपका खिलखिला उठेगा। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे विषय इतना महत्वपूर्ण निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो नहीं, आपके लिए रामबाण यदि आप देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आप हमारा धन्यवाद करेंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय मां संतोषी 3 बार लिख दीजिएगा। माता संतोषी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो के मुख्य विषय पर बात करते हैं, अगस्त के महीने में मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर देना। यह एक छोटी सी चीज, और उसके बाद आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर आपकी किस्मत में इतनी चमकदार कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वह आपको हैरान कर देगा। आपके जीवन की हर एक तकलीफ है बिना किसी प्रयास बिना किसी मेहनत की, बस आपके चाहने ने मात्र से ही अपने आप गायब होने शुरू हो जाएगी, और हर वह चीज है जो आप चाहते हैं, फिर चाहे वह करोड़ों की दौलत क्यों ना हो, संतान सुख चाहो, किसी का सच्चा प्यार ही क्यों ना हो, एक अच्छी नौकरी, घर मकान या फिर अच्छा बड़ा व्यापार ही क्यों ना हो, सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। इस चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। तो आखिर क्या है यह चीज है, और इसे मंदिर में दान करने के क्या नियम है, क्या शास्त्रीय और वैदिक विधान है, सारी बातें हम आपको एक ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। बस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है और अंत तक हर एक बात को समझ लेना है। तो जयकारा बोलो, माता रानी का जगत माय महामयी मां संतोषी की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। आपकी किस्मत चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, पूरी से पूरी किस्मत भी एक अच्छे सौभाग्य में बदल जाएगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी, हर एक चीज आपकी ओर चुंबक की तरह किसी चली आई कि आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमक नहीं लगेगी।
और घोड़े के समान तेज भागने लगे कि और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है। यह देवी देवताओं की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर बढ़ सकती है और उनकी संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको दिलवा सकती है। और जब देवी देवता किसी के भाग्य को बदलने के पीछे उतारू हो जाते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। दिव्य शक्तियों के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है, जैसा कि स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। तुम्हें तो बस इतना करना है कि केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना है, और वही कर्म आपकी भाग्य के निर्माण में आपकी मदद भी करेगा। तो अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ रहा है, और यह बात आपको याद रखी होगी कि जब भी जीवन में बदलाव आता है तो उस बदलाव के लिए कोई ना माध्यम अवश्य बनता है। तो आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपको जो खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसका माध्यम, उसका कारण आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बनने वाला है। तो बस ऐसे में आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है, ऐसी मूर्खता भूल कर भी मत करना। प्रिय प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ देना, ये प्यारे दोस्तों ऐसा कभी भी मत करना। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में हमने सच्चे मन से बहुत मेहनत की। शास्त्रों की गहराई से खोजबीन करने के बाद, संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के बाद, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वह अभी गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली है। आपको बस इन बातों पर पूरे विश्वास के साथ रख अमल करना है, और जैसा हम बताएंगे पैसा हर एक नियम का पालन करना है। फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं कि हे पार्थ, विश्वास में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर विश्वास है तो वह बड़ी से बड़ी पर्वतों को भी अपने मार्ग से हिला सकता है, और यदि विश्वास नहीं है तो वह इस संसार के अस्तित्व को भी मिटा सकता। अभी तो एक इंसान जब मन में दृढ़ विश्वास करके भगवान को पाने की कोशिश करता है तो भगवान को भी मजबूर कर देता है दर्शन देने के लिए, और वही जब एक इंसान विश्वास खो देता है तो वह आत्महत्या जैसी कुकृत्य को भी करने से पीछे नहीं हटता, यानी कि जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। सारा खेल विश्वास का है, तो आज आपको भी विश्वास बनाकर रखना होगा कि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ आपका जीवन बदल जाएगा। और फिर आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन सभी बातों में कहीं ना कहीं मां तारा रानी की अनुभूतियां, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अवश्य ही शामिल रहती हैं। तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखिए, बातों को अच्छी तरह से समझ गए और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डाली है यह प्यारे दोस्तों। और यह परसों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में होगा। तो बस चलिए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। इसके लिए आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से, भक्ति भाव के साथ माता रानी का आभार व्यक्त करना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माम संतोषी कृपा करो, माता रानी आपकी पर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मित्र, याद रखना, तभी हम और आप और इस संसार का हर एक जीव माता रानी के ही बच्चे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा, यदि किसी के 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत अधिक लाडला होता है, तो बच्चों से भी प्रेम होता है, परंतु एक से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी और प्रेम होता है। इसका कारण यह होता है कि वह बच्चा भी अपनी मां से, अपने पिता से अधिक प्रेम करता है, उन्हें रिझाने के लिए अधिक प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार माता रानी के सभी बच्चे हैं, हम और आप, लेकिन उनके लाडले बनने के लिए हमें अधिक प्रयास करने होंगे, थोड़ा उन्हें दे जाना होगा। और जब हमारे प्रयास अधिक होंगे तो हमारे पास माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद भी अधिक होगा। ये सब कुछ प्रेम और विश्वास के ऊपर ही तो है। और जैसे जैसे माता रानी के ऊपर आपका विश्वास, प्रेम गहरा होता जाएगा, आपके जीवन में हर एक कष्ट अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। अब इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आर्थिक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य तबाही थे,
ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जब आप परिवार के सदस्य हैं तो फिर हम जो भी पूजा पाठ आराधना ए साधनाएं माता रानी की सेवा में करते हैं उन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश हिस्सा आपको भी अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में तो सारी बराबर काटी जाती है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं तो अब दान का महत्व इतना अधिक है, ये आपको समझाने के लिए शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा इसका विधान आपको बता देते हैं। तब आपको पता चलेगा कि दान करने से कितने बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें चार युगों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग होता है। उसमें धर्म के चार स्तंभ होते हैं, यूं कहें कि पैर होते हैं जिनका पालन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भी स्तंभ, सच्चाई यानी फिर उसके बाद तपस्या यानी उसके बाद अनुष्ठान और उसके बाद बताना। अब इसके बाद आता है रीता युग, त्रेता युग यानी कि तीन खंभों वाला, इसलिए इसे त्रेता कहते हैं। तो त्रेता युग में एक खंभा कम हो जाता है यानी सच्चाई हट जाती है, अब रह जाता है और अनुष्ठान और दाल। इसके बाद आता है तो आप पर योग्य नीतु खंभों वाला योग यानी दो कार्य करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एक अनुष्ठान और दूसरा था। इसके बाद आता है कलयुग है। ये कलयुग है ऐसा योग है जिसमें कि धर्म के पास सिर्फ एक ही पैर या एक ही खंभा है और उस खंभे का नाम है जी की तान कितना शक्तिशाली है और दान करने से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अब आज के समय में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इस भयंकर कलयुग में दान का खंभा भी मिल चुका है, क्योंकि लोग दान को भी बिजनेस बना चुके हैं, दिखावे प्रचार की सामग्री बना चुके हैं। दान करते हैं थोड़ा सा और दिखावा इतना ज्यादा कर देती है कि जैसे यही सबसे बड़े धर्मात्मा दानवीर कर्ण है यानी कि कोरा आडंबर है। RS 84 का दान करके ₹1000 की पब्लिसिटी और पब्लिक की सिंपल थी, हासिल कर लेने का व्यापार बन गया है। तो ऐसा दान आपको नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, ये दान तो पाप का भागी बना देता है। तो हमने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई है ना कि आपको ज्योतिष बल्कि साथ ही साथ धर्म का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि ज्योतिष भी अध्यात्म की ही एक धारा है। बिना अध्यात्म के ज्योतिष बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान के संपूर्ण स्वस्थ शरीर में आंखें और कान ना हो, यानी कि ना तो ज्योतिष पर कुछ देख सकता है और ना ही कोशिश सुन सकता है। यदि धर्म उसके साथ है तो उसे सही दिखाई भी देगा और सही सुनाई भी देगा और वह सही फैसले लेकर भविष्यवाणियां भी कर सकता है। हमें तो इसलिए हम आप उस समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें ही बताती रहती हैं, अलग अलग पुराणों से लिए गए व्याख्यान भी समझाते रहते हैं। अब हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम पर या अन्य किसी ज्योतिष कार्यक्रम पर केवल वही इंसान टिक सकता है जो धार्मिक है, इसके आस्था और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। अधर्मी और ड्रामेबाज लोग एक मिनट में ही सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं, ऐसे लोग तो हमारे ज्योतिष कार्यक्रम पर टिक ही नहीं सकते हैं। और ऐसे मूर्ख लोगों की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक वही गुरु इन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता है, यह स्वयं महागुरु होते हैं। खैर चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस अगस्त के महीने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कौन सी चीज है जाकर मंदिर में दान कर देनी है जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि शनिदेव वक्री चाल में चल रही है और कुंभ राशि में वक्री है, यानी अपनी स्वराशि अपने घर में ही बकरी हो गए हैं। अब ऐसे तो शनि देव की दृष्टि ही बकरी होती है और बकरी का मतलब होता है तिरछा, या फिर यह नकारात्मक मित्र और शनि देव की दृष्टि भी वक्री है और चाल भी वक्री हो चुकी है या नहीं, शनि देव के दुष्परिणाम है और कि खतरनाक हो चुके हैं। तो वैसे ही मैं आपको कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो जरूर से जरूर अपने जीवन में शामिल कर लेने हैं। पहली सावधानी, आपकी कोई भी वाहन आप चला रहे हैं तो उसे पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ चलाएं। जरा भी लापरवाही आपने दिखाई तो दुर्घटना होने की पूरी गुंजाइश है। भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, किसी कारखाने में है तो मशीनरी को पूरी सतर्कता के साथ प्रयोग करें, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। इसी के साथ साथ महीने की कुछ तारीख से हैं और कुछ दिन हैं। इन दिनों और तारीखों पर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है, ना ही देना है
और ना ही इसी प्रकार का खर्चा करना है। जी, हमें तो कैसा भी खर्चा हो, घर गृहस्थी का ही खर्चा हो, तो आप इन तारीख और तीनों को डाल दें, उसके बाद खर्चा करें तो आपके लिए हितकर होगा। यह एक बहुत बड़ी जानकारी है प्यारे दोस्तों, और हम जो आपको बता रहे हैं ऐसा कोई आपको पूरे YouTube पर नहीं बता सकता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे संपर्क करो, हम आपकी कुंडली देख लेते हैं, यानी आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन हम आप हो माता रानी की सेवा करने की भाव से ज्ञान देते हैं, तो जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं वह शुद्ध है, पवित्र है और सटीक है। तो ध्यान से सुनिए, कौन सी है, बेटा री है, और तीन दिन में आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो पैसे से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से सुने, वह विशेष दिन है शनिवार, और तारीख की बात कर लेते हैं। 2 महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इन 3 तारीखों को आपको बचाना है। कोई विशेष दिल नहीं करनी है, कोई भी किसी से पैसे नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों पर नहीं करना है। इन्हें आपको डाल देना है अभिषेक। साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बड़ी रहे। आप समझ लो ही कि कोई भी चीज किसी को भी ना प्रयोग के लिए थे और ना ही दान करें। काले रंग के अपने कपड़े, अपने प्रयोग के सामान लेने, जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग की वस्तु प्रयोग करते हैं, किसी को भी नाते ना दान करें। हमें तो वैसे भी, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में दान का जो विधान है वह मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान के सामने जो दान किया जाता है वही दान होता है। कि आप कहीं भी सड़क के किनारे बाजार में किसी को कुछ दे देते हैं तो वह आपकी इंसानियत है, लेकिन धर्म की नजर में वह इस शरीर पता नहीं कहां जाएगा। इससे यह तो हो जाएगा, आपकी इंसानियत उत्तम है, आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है, तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन इंसान की सही नियम और विधान तो केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े हैं, तो बस इन सावधानियों को आप बनाकर चले। अब एक बात हम आपको यहां पर और बता दें कि शनि देव जब फ्री होती हैं और राहु केतु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि राक्षस ग्रह शनि देव की वक्र दृष्टि का इंतजार करते हैं, वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं, तो ऐसी अवस्था में राहु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है, यानी कि आपको नकारात्मक चीजों में, नेगेटिव लोगों के पास बैठने में मजा आने लगेगा, गलत कार्य की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। कोई आपको जरा सा भी ऑफर देगा और आप शराब पी सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, गलत से गलत कार्य को भी कर सकते हैं, आपको इसमें कुछ भी गलत है या बुरा समझ में नहीं आएगा, यह राहु का प्रभाव रहेगा। दूसरे, किसी की जरा सी सलाह पर आंख बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने व्यापार को बंद कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर किसी नए व्यापार को करने का प्लान बना सकते हैं। अभी हम आपको बता दें कि 129 दिनों तक आपको, जब तक शनि के वक्री चाल है, किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनेस के बारे में सोचना भी नहीं है। ये प्यारे दोस्तों, शनिदेव की बकरी दृष्टि और बकरी चाल में यह बहुत अधिक होता है। लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसी कार्य में उनकी रुचि कम हो जाती है, मजा नहीं आता है, उन्हें लगता है कि अब इस कार्य में कुछ नहीं रखा है, इसे बंद करके कुछ नया काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, वहां भी उन्हें धोखा और ईशानी ही मिलेगी। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए राहु के दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज, आप जिस घड़ी को पहनते हैं वह घड़ी गोल्ड आयल की होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आजकल फैशन आ गई है तो लोग चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगे हैं, लेकिन आप खुद ही समझ लें कि इस समय एक चक्कर में चलता है और घड़ी पुराने जमाने से अब तक गोल्ड आयल की ही हुआ करती है, लेकिन अब फैशन आ गई है तो कुछ भी कर सकती हो। गोल चीज को भी चौकोर बना लोगे और चौकोर चीजों को गोल बना लो, तू क्या इससे हमारी जुड़ जाए हैं, वह तो नहीं बदल जाती, तो समय की जो ऊर्जा है वह गोलाकार चक्कर में भ्रमण करती है। तो आपको सही समय का लाभ प्राप्त करना है, जो कि राहुल देव आपको दिला सकते हैं, तो वह तभी होगा जब आप फ्री ऐसी पहने जो गोल्ड आयल की हो। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके घर में पड़ा है और यदि वह खराब हो चुका है तो उसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दे, कबाड़ी वाले को दे दे, या फिर आप उसे सही करवा दें, ठीक करवा कर अपने घर में रखे। तीसरा, आपके घर की छत यदि गंदी रहती है, उसमें धूल मिट्टी जमा रहती है,
या उस पर कबाड़ का सामान पड़ा रहता है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। आप राहु का क्रीम जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं, यदि आप अपने कब घर का सामान किसी कबाड़ी वाले को देते हैं और उससे जो रुपए आपके पास होते हैं उसे रुपए से आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ा देते हैं। मानकर चलिए कि आपके घर में जो कबाड़ का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लोहे का, प्लास्टिक का, जो भी है, आपने उसे बेच दिया कबाड़ी वाले को। अब उससे आपको जो पैसे मिले, मानकर चलें कि RS-50 आपको प्राप्त हुए, उस RS-50 से आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर यदि चोला चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो इससे राहुदेव आपसे इतने प्रसन्न होते हैं कि मैं आपको तुरंत आकस्मिक लाभ दिलाना शुरू करते हैं। इस उपाय को आप एक बार हमारे कहने से करके अवश्य देखना है। हम गारंटी देते हैं कि आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद बोलेंगे कि गुरुजी आपने बहुत मजबूत शक्तिशाली उपाय हमें बता दिया है। याद रखना कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहुल तारे उसे फिर कोई न मारे। राहों में बहुत अधिक शक होती है, याद रखना कि यह वही राहु है। किसी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसने अमृत किया है, यानी कि वह देवताओं की श्रेणी में आ चुका है, तो इसे आप हल्के में ना लें। कोई आपसे कहे कि राहुल छोटा सा ग्रह है, ये कर लो, वह कर लो, ऐसा उपाय वैसा उपाय नहीं प्यारे दोस्तों, हल्के में मत लेना। राहु आपको बहुत कुछ देख सकता है, रंक को राजा और राजा और रंक बना सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कौन सी वह चीज है जो मंदिर में दान करनी है, और उससे आपको कैसे कैसे लाभ प्राप्त होंगे, उसके नियम क्या है, विधान क्या है। तो मित्रों, सबसे पहली बात आप समझ गए कि अगस्त के इस पूरे महीने में शनिदेव वक्री चाल तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ मंगल भी आपकी राशि पर भारी है, और राहुल तो है ही शनिदेव का साथ देने के लिए। अब उस शनि राहु और मंगल है, तीनों को एक साथ आपको पसंद करना है। तीनों प्रश्न हुए तो आपको रातों रात मालामाल करेंगे, और प्रसन्न हुए तो मिट्टी में मिला देंगे। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली चीज जिसे आपको दान करना है। हनुमान जी के मंदिर में दिया प्यारे दोस्तों, तो यह एक चीज असल में एक कंप्लीट पैकेज है, यानी कि एक सामग्री का पूरा बंडल बनेगा। तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल होंगे, इन्हें आप ध्यान से समस्या। सबसे पहली चीज, एक माचिस का पूरा वर्णन कीजिए, जिसमें कि 10-15 मार्च इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ 5 आसन और 5 हनुमान चालीसा की किताबें और थोड़ा सा लाल सिंदूर, जी हां प्यारे दोस्तों, जो हनुमान जी पर चढ़ता है, जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं, इन चीजों को आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान कर देना है। जी हमें तो अभी दान से आपको क्या लाभ होगा, किसी भी आप समझिए कि जब आपके द्वारा रखी गई मासी, आपके द्वारा रखा गया अधूरा के द्वारा रखी गई किताबें और आशा मंदिर में प्रयोग होंगे, तो जितने भी लोग मंदिर में विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, वह आपकी किताब रुकी जो आसन पर बैठेंगे, वह आपके द्वारा दिया गया आसन होगा। जिस माचिस से दीपक चलाएंगे, वह माचिस भी आपने तान की है, यानी कि मंदिर में जितने भी लोग आएंगे और जितने भी पूजा पाठ किया करेंगे, उस सबकी या में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से आपकी भागीदारी रहेगी। इसी के साथ साथ आप कम से कम 3 झाड़ू अभी मंदिर में दान करते हैं, यह भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्रिया है। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, तो मंदिर में जो सफाई होगी उसमें भी आपकी भागीदारी हो गई। अब आपने मंदिर में चारों तरफ हर एक क्रिया में अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी नियुक्त कर ली, तो अब आपके ऊपर हनुमान जी की चारों तरफ से कृपा आएगी। और जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी, तो फिर कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, कितना ही नकारात्मक परिणाम नकारा, भाग्य आपका चल रहा हो, शंभर में सौभाग्य में बदल जाएगा, तो अब आपको यह जो स्थान है, यह आप किसी भी शनिवार के दिन जाकर कर सकते हैं, या अगस्त के पहले दिन भी आप कर सकते हैं, जिनका ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन इस जान को करते समय कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होगा, सावधानियां हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि दान को आपको प्रचार नहीं करना है। हमारी हिंदू धर्म मैदान के बारे में ऐसी कहावत है कि एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका कितना ही कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, जीवन साथी ही क्यों ना, आपने जब दान किया तो उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी को भनक नहीं, चुपचाप जाकर आप इस कार्य को करके आएंगे और भूल जाएंगे। जब आप इस क्रिया को इस तरह करेंगे, तभी एक कि ना तो ज्योतिष पर कुछ देख सकता है और ना ही कोशिश सुन सकता है।
यदि धर्म उसके साथ है तो उसे सही दिखाई भी देगा और सही सुनाई भी देगा, और वह सही फैसले लेकर भविष्यवाणियां भी कर सकता है। हमें तो इसलिए हम आप उस समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें ही बताती रहती हैं, अलग अलग पुराणों से लिए गए व्याख्यान भी समझाते रहते हैं। अब हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम पर या अन्य किसी ज्योतिष कार्यक्रम पर केवल वही इंसान टिक सकता है जो धार्मिक है, इसके आस्था और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। आदरणीय ड्रामेबाज लोग एक मिनट में ही सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं। ऐसे लोग तो हमारे ज्योतिष कार्यक्रम पर ठीक ही नहीं सकते हैं, और ऐसे मूर्ख लोगों की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। वही गुरु इन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता है, यह स्वयं महागुरु होते हैं। खैर, चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस अगस्त के महीने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कौन सी चीज है जाकर मंदिर में दान कर देनी है जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि शनिदेव वक्री चाल में चल रहे हैं और कुंभ राशि में वक्री है, यानी अपनी स्वराशि अपने घर में ही बकरी हो गए हैं। अब वैसे तो शनिदेव की दृष्टि ही बकरी होती है, और बकरी का मतलब होता है तिरछा, या फिर यह नकारात्मक मित्र, और शनिदेव की दृष्टि भी वक्री है और चाल भी वक्री हो चुकी है या नहीं। शनिदेव के दुष्परिणाम है और की खतरनाक हो चुके हैं, तो वैसे ही मैं आपको कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो जरूर से जरूर अपने जीवन में शामिल कर लेने हैं। पहली सावधानी, आपकी कोई भी वाहन आप चला रहे हैं तो उसे पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ, जरा भी लापरवाही आपने दिखाई तो दुर्घटना होने की पूरी गुंजाइश है। भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, किसी कारखाने में है तो मशीनरी को पूरी सतर्कता के साथ प्रयोग करें, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। इसी के साथ साथ महीने की कुछ तारीख से हैं और कुछ दिन हैं, इन दिनों और तारीखों पर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है, ना ही देना है, और ना ही इसी प्रकार का खर्चा करना है। जी हमें तो कैसा भी खर्चा हो, घर गृहस्थी का ही खर्चा हो, तो आप इन तारीख और तीनों को डाल दें, उसके बाद खर्चा करें तो आपके लिए हितकर होगा। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है प्यारे दोस्तों, और हम जो आपको बता रहे हैं ऐसा कोई आपको पूरे YouTube पर नहीं बता सकता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे संपर्क करो, हम आपकी कुंडली देख लेते हैं, यानी आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन हम आप हो माता रानी की सेवा करने की भाव से ज्ञान देते हैं, तो जो ज्ञान हम आपको रहे हैं वह शुद्ध है, पवित्र है और सटीक है। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है, बेतारी है, और तीन दिन में आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो पैसे से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से सुनिए, वह विशेष दिन है, शनिवार, और तारीख की बात कर लेते हैं। दो महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इन 3 तारीखों को आपको बचाना है। कोई विशेष दिल नहीं करनी है, कोई भी किसी से पैसे नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों पर नहीं करना है, इन्हें आपको डाल देना है। अब इसी के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बड़ी रहे। आप समझ लो ही कि कोई भी चीज किसी को भी ना प्रयोग के लिए थे और ना ही दान करे। काले रंग के अपने कपड़े, अपने प्रयोग के सामान लेने कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग की वस्तु प्रयोग करते हैं, किसी को भी ना थे ना दान करें। हमें तो वैसे भी, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में दान का जो विधान है वह मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान के सामने जो दान किया जाता है वही दान होता है। कि आप कहीं भी सड़क के किनारे बाजार में किसी को कुछ दे देते हैं तो वह आपकी इंसानियत है, लेकिन धर्म की नजर में वह इस शरीर पता नहीं कहां जाएगा। इससे ये तो हो जाएगा, आपकी इंसानियत उत्तम है, आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है, तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन इंसान की सही नियम और विधान तो केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े हैं, तो बस इन सावधानियों को आप बनाकर चले। अब एक बात हम आपको यहां पर और बता दें कि शनि देव जब फ्री होती हैं और राहु केतु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि राक्षस ग्रह शनि देव की वक्र दृष्टि का इंतजार करते हैं, वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं, तो ऐसी अवस्था में राहु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है, यानी कि आपको नकारात्मक चीजों में नेगेटिव लोगों के पास बैठ मजा आने लगेगा, गलत कार्य की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा, कोई आपको जरा सा भी ऑफर देगा और आप शराब पी सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, गलत से गलत कार्य को भी कर सकते हैं,
आपको इसमें कुछ भी गलत या बुरा समझ में नहीं आएगा। यह राहु का प्रभाव रहेगा। दूसरे किसी की जरा सी सलाह पर आंख बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने व्यापार को बंद कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर किसी नए व्यापार को करने का प्लान बना सकते हैं। अभी हम आपको बता दें कि 129 दिनों तक आपको जब तक शनि के वक्री चाल है, किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनेस के बारे में सोचना भी नहीं है। ये प्यारे दोस्तों, शनिदेव की बकरी दृष्टि और बकरी चाल में ये बहुत अधिक होता है। लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसी कार्य में उनकी रुचि कम हो जाती है, मजा नहीं आता है, उन्हें लगता है कि अब इस कार्य में कुछ नहीं रखा है, इसे बंद करके कुछ नया काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, वहां भी उन्हें धोखा और ईशानी ही मिलेगी। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में खुशियों की बरसात करेंगे। इस समय का हर पल आपके लिए सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा की लहर दौड़ेगी, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सहजता से पूरा कर पाएंगे। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा और हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आप अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिता पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। आपके घर में शांति और सुख का माहौल रहेगा और हर सदस्य का मन प्रसन्न रहेगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार की चिंता या तनाव था तो वह दूर हो जाएगा और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। कामकाज के क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत और लगन को सभी सराहेंगे और आपके प्रयासों का उचित फल मिलेगा। व्यवसाय में भी आपको सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे और आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों उत्तम स्थिति में रहेंगे। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से आप दूर रहेंगे और आप अपने कामकाज में पूरी तरह से संलग्न रह पाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए योग, ध्यान और व्यायाम कर सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति और भी बेहतर होगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए आप अपने हर निर्णय में सफल होंगे। आपके विचार और भावनाएं सकारात्मक रहेंगी और आप हर स्थिति का सामना धैर्य और संकल्प के साथ कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। आपके जीवन में आने वाले इस समय में नई योजनाओं को शुरू करने का सही समय है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। इस समय का हर पल आपके लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। आप अपने हर कार्य में सफल होंगे और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए आप निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में खुशियों का सवेरा जल्द ही आएगा और आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। याद रखें, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे।